जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों को बता दें कि जो आपके अभी लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हैं या फिर आने वाले समय में वन रक्षक के एग्ज़ाम हैं, ग्राम विकास अधिकारी के हैं, UP SSC पेट का एग्ज़ाम है, या फिर साथियों पुलिस का है, या फिर पुलिस रेडियो ऑपरेटर, उसके लिए उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि आज हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं। किसका? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का तीसरा पार्ट। ठीक है, देखिए हर पार्ट में हमने 30-30 क्वेश्चन शामिल किए हैं, यानी कि हम 60 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम 61 से 90 तक देखने वाले हैं। और हम बता दें कि यूपी करंट अफेयर से लेकर हम लगभग 4 वीडियो लेकर आएंगे, लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास आपको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। उसके पहले हम आपको एक बार और बता दें कि अगर आपका पेपर लगा है, आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या सीधा आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और यूपी लेखपाल वाले दोस्तों ये वाला आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, यूपी लेखपाल 2022 क्विक रिवीजन। तो इसमें आपको क्विक रिवीजन हमने कराया है, मतलब कि बहुत ही फास्ट समय में, बहुत ही कम समय में दोस्तों बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने देने की कोशिश की। उसके अलावा आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2022। अगर 2022 के आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश संबंधित करंट अफेयर मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले लिस्ट को देख लीजिएगा। और साथियों अगर स्टैटिक जीके या फिर हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमने दोस्तों वीडियो और वनरक्षा के लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको पत्र लेखन भी पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की तीसरी क्लास। साथियों तीसरी क्लास है करंट अफेयर की, और यहाँ हम देखने वाले हैं आपके 61 से लेकर के 90 नंबर तक, क्योंकि सुपर 30 एक क्वेश्चन सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो 61वां क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। साथियों देखिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, देखिए इसमें आयुष पद्धति से दोस्तों आपका इलाज किया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आयुष को बढ़ावा देने के लिए, दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? गोरखपुर में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए गोरखपुर की बात आई है तो यहाँ से कुछ चीज़ें और आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर यानी कि अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर की भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं का दोस्तों एक GI टैग दिया गया, किसको? टेराकोटा उत्पाद, है ना। टेराकोटा दोस्तों लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, साथियों उनको GI टैग भी दिया गया, गोरखपुर को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा क्या दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों आंवला, जिससे दोस्तों उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाए जाने की बात चल रही है, वह किस जिले की एक तहसील दोस्तों? तो याद रखेंगे आंवला को दोस्तों कहा गया है कि 76वां जिला बनाएंगे। ठीक है, 76वां जिला बनाया जाएगा, वो दोस्तों बरेली जिले की क्या है? एक तहसील है। 6 तहसीलों में से बरेली की एक तहसील क्या है? आंवला, जिसे जिला बनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए आप यहीं से याद रखेंगे, अगर कोई पूछ ले आंवला नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को। ठीक है, आंवला नगरी किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को। देखिए आंवला किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो आंवला जो शहर है ना, ये उर्वरक के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, आंवला को 76वां जिला बनाए जाने की बात चली है दोस्तों। ये कहाँ है? बरेली दोस्तों। बरेली कौन सी नगरी दोस्तों? आपको पता सूरमा नगरी। क्या है? सूरमा नगरी दोस्तों बरेली। और बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है, अपने उत्तर प्रदेश की सबसे कम गर्मी कहां? बरेली में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का 63 नंबर कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा दोस्तों? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों योजना से संबंधित है। ठीक है, तो बनारस आपका सबसे पहले नंबर पर, यानी वाराणसी दोस्तों पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ तक? गोरखपुर तक। कहाँ से आ जाएगा ये? तो गुजरात के दोस्तों कांडला पोर्ट से दोस्तों। ठीक है, गुजरात में कांडला पोर्ट पड़ता है दोस्तों, बंदरगाह पड़ता है, वहां से दोस्तों बिछाई जाएगी आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पाइपलाइन होगी। कहां तक जाएगा? गोरखपुर तक। कहां शुरू होगा दोस्तों? कांडला से। कहाँ? कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए अगला दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया? साथियों QS दोस्तों ये बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करती है। आपको बता दें कि उसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक यूनिवर्सिटी दोस्तों उसमें शामिल हुई है, कौन सी है? IIT कानपुर। और दोस्तों ये 122वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? 122वें। अगर भारत में बात कर लें तो ये 5वें नंबर पे, देखो 5वें नंबर पे है इसकी रैंकिंग। भारत की बात करें, भारत में 5वें नंबर पे, और विश्व में किस नंबर पे है? 122वें नंबर पे। ठीक है, 5वें नंबर दोस्तों पहले कौन कौन से? तो IIT बेंगलुरु पहले पे है, फिर IIT दिल्ली दोस्तों दूसरे पे है, IIT मद्रास दोस्तों तीसरे पे, IIT
बॉम्बे चौथे पे, पांचवे पे होगा आईआईटी कानपुर। दोस्तों भारत की बात करेंगे तो भारत की ये यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए तो किसको शामिल किया गया है क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों, आईआईटी कानपुर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों किसको सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर गंगेश दीक्षित जी को दोस्तों कुशीनगर के। यहाँ देखिए कुशीनगर याद आ गया तो आपको ये याद रखना कि कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया और कुशीनगर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी खोला जा रहा है। और कुशीनगर में दोस्तों गौतम बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु भी हुई थी, वहीं इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था, ठीक है। चलिए और आपको बता दें कि अगर हिंदी की बात हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना 10 जनवरी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, ठीक है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोले जाने की बात चल रही है, निर्णय लिया गया दोस्तों अलीगढ़ में। आपको बता दें जो अलीगढ़ में दोस्तों एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसके लिए देखो जो एएमयू बनाना उसके लिए भूमिदान किसने किया था, मतलब जमीन किसने दी थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने जमीन भी दिया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों यहां पे एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, कहां पर, अलीगढ़ में। क्या नाम होगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, याद रख लेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है, तो अलीगढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि विधि कानून संबंधी दोस्तों पहली यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है, तो प्रयागराज में दोस्तों, है ना। कानून संबंधी उत्तर प्रदेश की पहली नेशनल लॉ अंतर देखिए नेशनल मतलब राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय कहां स्थापना की जा रही है, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की, तो आपके प्रयागराज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में महिला थाने के तर्ज पर बाल मित्र थाना बनाए जाने का प्रस्ताव किस प्रदेश में रखा गया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है जैसे हम महिला थाना खोलते हैं ना, उसी प्रकार से हम बाल थाना खोलेंगे, बाल मित्र थाना। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें पुलिस दोस्तों वर्दी में नहीं रहेगी, पुलिस क्या होगी सिविल वर्दी में रहेगी, किसमें सिविल वर्दी में रहेगी दोस्तों, और जरूरत पड़े ना तो किसी बच्चे को भी नियुक्त किया जाएगा उनसे बात करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, अगर बच्चों से कुछ मतलब आप समझ रहे हैं ना, बच्चे जो है पुलिस से डरते हैं, तो वैसा न डरे दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे, जैसा कि पुलिस सिविल वर्दी में होगी। दूसरा दोस्तों कि किसी बच्चे को भी नियुक्त किया जाएगा उस स्टेशन में, ठीक है, किसी बच्चे को रखा जाएगा जिससे दोस्तों बच्चे क्या करें उनसे कंप्लेन कर सके अगर उन पर कोई जाति होती है तो, ठीक है। चलिए अगला है कि देश के किस राज्य में सबसे अत्याधुनिक, ठीक है, सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जिससे जिसमें हर साल दोस्तों 500 छात्र शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। देखिए फॉरेंसिक है ना, जो जांच वाली यूनिवर्सिटी दोस्तों, कोई क्राइम होता है तो उसमें फॉरेंसिक जाँच होती है, उसके लिए शिक्षा ले पाए दोस्तों, उसके लिए सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, अपने ही उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। चलिए अगला देखते दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ATS इकाई और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी दोस्तों, तो कहाँ की गई है, तो दोस्तों कहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ATS इकाई कमांडो सेंटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों, देवबंद में, सहारनपुर में दोस्तों पहला खोल दिया गया, ठीक है। देखिए सहारनपुर आपको पता है सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला और एकमात्र जिला सहारनपुर, किसको, हिमाचल प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला है, ठीक है। और साथियों याद रखेंगे यहाँ शाकंभरी देवी मेला भी लगता है, ठीक है। और देखिए जो आपके ATS इकाई है ना दोस्तों, ATS इकाई या फिर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों 10 जगह खोले जाएंगे अपने पूरे यूपी में, ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला कहाँ खुल गया है, तो देवबंद में। देखिए 10 जिले कहाँ कहाँ खुलेंगे, तो मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, नोएडा हो गया, आजमगढ़, कानपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर और सहारनपुर, इन 10 जिलों में दोस्तों ATS का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, मगर दोस्तों पहला देवबंद सहारनपुर में खोला गया जो कि चर्चित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हाल ही में भारत के दौरे पर आए, जिनका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस जिले से दोस्तों, देखिए ये भारतीय मूल कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी जो था ना दोस्तों मूल वंश, वो दोस्तों अपने बलिया से संबंधित है ना। देखिए इस बलिया को याद रखना ना रखना, मगर ये याद रख लेना कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, प्रविंद जगन्नाथ, क्योंकि ये भारत में आए थे, हो सकता है दोस्तों ये पूछ लें कि हाल ही में जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोस्तों भारत में आए थे उनका नाम क्या था, तो प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इनका संबंध कहाँ से है, बलिया, और बलिया आपको पता है सबसे पूर्वी जिला क्या है,
है, सबसे पूर्वी जिला है अपने उत्तर प्रदेश का दोस्तों। और आपको बता दें जो उज्ज्वला योजना हुई शुरू हुई थी दोस्तों, उज्ज्वला योजना देखिए याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लिखवाना भूल गए, करंट में ये भी आ जाएगा आपका। उज्ज्वला योजना, पहली चीज उज्ज्वला योजना किससे संबंधित दोस्तों, तो किससे संबंधित दोस्तों, गैस सिलेंडर से ना, गैस सिलेंडर। और कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों, बलिया से। देखिए उज्ज्वला बलिया शुरू की गई थी दोस्तों, आपको ये भी पूछेगा उज्ज्वला 2.0 कहाँ शुरू की थी दोस्तों, ये महोबा से शुरू की गई। कहाँ से उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ शुरू की गई, महोबा से। तो ये भी आप याद कर लेंगे, देखिए उज्ज्वला योजना कहाँ शुरू की गई थी, बलिया से। और दोस्तों इसका दूसरा पार्ट यानी उज्ज्वला 2.0 कहाँ शुरू की गई, ये महोबा से शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव कितने चरणों में हुए दोस्तों। देखिए कितने चरण में हुए साथियों, तो कितने हुए विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरण में हुए, तो 7 चरणों में दोस्तों हुए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें यहाँ एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की गठबंधन पार्टी ने कितनी सीटें जीती, 275, और सपा गठबंधन ने दोस्तों 125 सीटें जीती, और दोस्तों कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और बसपा की 1 सीट, ठीक है। अब देखिए बसपा विधायक को देखने के लिए आप लोगों को टिकट लगेगा, क्योंकि दोस्तों एक ही ऐसा विधायक है जिसने दोस्तों एक ही सीट बसपा ने जीती है, ठीक है। तो याद होगा आपको 7 चरण में हुए चुनाव, और 275 सीटें दोस्तों बीजेपी ने जीती हैं गठबंधन करके, और 125 सीटें दोस्तों सपा जीती है, ठीक है, और 2 कांग्रेस और 1 बसपा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा कि साथियों उत्तर प्रदेश के साथ और कितने विधानसभा चुनाव हुए थे, जैसे कि गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, कितने हुए थे उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के नव निर्वाचित विधायकों की किसको शपथ दिलाने के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था दोस्तों। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, देखिए जब कोई नई विधानसभा या फिर लोकसभा आती है ना, जिसे केंद्र पे क्या मिलेगी, लोकसभा, ठीक है। तो दोस्तों पहले क्या होता है कि पहले दोस्तों क्या करता है राष्ट्रपति या फिर दोस्तों राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल और राष्ट्र मतलब कि देश में राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हीं में किसी एक व्यक्ति को दोस्तों क्या करता है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर का एक ही काम होता है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का एक काम होता है दोस्तों कि वो क्या करता है सबको शपथ दिलाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शपथ दिलाने के बाद क्या होता है फिर दोस्तों प्रोटेम स्पीकर काम समाप्त हो जाता है, फिर दोस्तों एक यहीं से अध्यक्ष चुन लिया जाता है यानी कि स्पीकर चुन लिया जाएगा, ठीक, इन्हीं में से एक स्पीकर चुन लिया जाता है दोस्तों, फिर वो दोस्तों पूरे सदन में क्या करता, अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाएगा, कौन करेगा, तो दोस्तों राज्य में राज्यपाल करेंगे, ठीक, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो याद रखेंगे किसको, रमापति शास्त्री को दोस्तों 2022 का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो दोस्तों श्री सतीश महाना, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे श्री सतीश महाना जी को विधानसभा 2022 के स्पीकर के रूप में चुना गया, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के म्यूजियम, ठीक है, क्या नाम था, मुगल म्यूजियम दोस्तों, इसका निर्माण चल रहा था दोस्तों, और इसका नाम बदल दिया गया, किस नाम से, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया, मुगल म्यूजियम का नाम दोस्तों, जो कि आगरा, देखिए आगरा का जो ताजमहल है उसके आसपास में बन रहा था, जिसका नाम दोस्तों बदल के दोस्तों मुगल म्यूजियम पहले नाम था, ठीक, उसका नाम बदल के दोस्तों योगी जी ने क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया। कहाँ पे है ये, तो आगरा में ही, याद रख लेंगे आगरा में, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हॉलीवुड की तर्ज पर दोस्तों फिल्म सिटी बनाई जा रही है दोस्तों, हॉलीवुड के तर्ज पर फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों, नोएडा में, आपको पता होगा। और नोएडा में साथियों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर दोस्तों, आपको बता दें जेवर अपने एशिया का पहला है ना सबसे बड़ा, और दोस्तों विश्व का पांचवा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब हवाई अड्डा की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पहला स्थान ग्रहण करता है जहां पर दोस्तों 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए हैं। चलिए दोस्तों 78 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों यह लगा लेना, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया दोस्तों, तो वाराणसी दोस्तों। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध चीज पता क्या थी, आपको बता दें काला नमक चावल दोस्तों बहुत प्रसिद्धि मिली, काला नमक चावल दोस्तों बहुत प्रसिद्धि मिली है, याद रखेंगे। और काला नमक चावल दोस्तों कहाँ का है, इसे GI टैग भी दिया गया, और ये एक जिला एक उत्पाद भी, कहाँ का है, सिद्धार्थनगर, जिसे हम बुद्ध का प्रसाद भी कहते थे, याद रखेंगे। काला नमक चावल का संबंध कहाँ से है, तो सिद्धार्थ नगर से है ना, और काला नमक चावल दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काला नमक चावल, ये एक जिला एक उत्पाद भी सिद्धार्थनगर का, और दोस्तों इसे GI टैग भी दिया गया, बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला कहाँ, बनारस में, ठीक है। चलिए अगला है, युवा पीढ़ी को चारों वेद की संपूर्ण जानकारी देने के लिए वेदवन पार्क की स्थापना कहाँ की गई है साथियों, तो नोएडा में दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों वेदवन पार्क की स्थापना की जा रही है, जहाँ पर दोस्तों चारों वेदों की जानकारी दोस्तों युवा पीढ़ी को दी जाएगी। तो याद रखेंगे वेदवन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो नोएडा में, ठीक है, कहाँ पर, नोएडा में साथियों। अगला है कि हाल ही में किस जनपद में
उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिनों के अंदर दोस्तों रामायण यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए बात की है दोस्तों। तो कहाँ की गई है, तो कहाँ की है दोस्तों, तो अयोध्या में दोस्तों। अयोध्या में क्या है कि दोस्तों हाल ही में किस जनपद में, तो दोस्तों आपको पता है कि रामायण, देखिए रामायण से संबंधित दोस्तों अयोध्या ही है। ठीक, अयोध्या किस नदी किनारे है, तो सरयू नदी किनारे। कहाँ पर, सरयू नदी किनारे दोस्तों अयोध्या में ही रामायण यूनिवर्सिटी बनाई जा रही दोस्तों, और बहुत ही कम समय में यानी 100 दिनों के अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1,66,50,00,000 साल पुराना दोस्तों जीवाश्म मिला है दोस्तों, सोनभद्र में। देखिए कितना पुराना होगा, 1,66,50,00,000 साल पुराना जीवाश्म मिला दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम तो गिन भी नहीं पाएंगे इस तरह से ना, तो याद रखें 1,66,00,000 है ना, 50,00,000 पुराना जीवाश्म मिला दोस्तों, ये सबसे पुराना जीवाश्म मिल चुका है ना, तो ये सोनभद्र में दोस्तों। सोनभद्र को पता सबसे दक्षिण में पाया जाता है, और ये 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला अपने भारत का, जो कि बिहार, सोनभद्र बिहार, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ है ना, और दोस्तों मध्य प्रदेश, और आपका क्या है, झारखंड है ना, 4 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों। प्रथम जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है उत्तर प्रदेश की, तो बलरामपुर के इमिलिया कोडर में। कहाँ, बलरामपुर के इमिलिया कोडर में दोस्तों प्रथम जनजाति संग्रहालय खोला जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे जनजाति ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलिए, और दोस्तों एक जनजाति कौन से जो कि दोस्तों दीपावली को शोक के रूप में मनाती है दोस्तों, तो कौन सा होगा, थारू। थारू जनजाति क्या है, दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजातियों द्वारा दोस्तों अपना खुद का एक बैंक बनाया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहराइच के विश्वनापुर गांव में दोस्तों, देखिए थारू जनजातियों के लोगों ने मिलकर दोस्तों एक अपना खुद का बैंक बनाया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें 12,00,000 के आसपास रुपए एकत्रित भी हो चुके हैं। ठीक है, और इसके क्या होगा, देखिए जिसको खेती करनी चाहते हो, देखिए बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों, ये हर एक राज्य अगर हर एक गाँव के लोग अगर सोच ले रहे, बहुत अच्छा प्लान है। देखिए इसमें होता क्या है कि गाँव के लोग ही मिलकर दोस्तों पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और साथियों फिर देखिए जिसको जरूरत होती है दोस्तों, देखिए अगर मान लिया किसी खेती करनी है दोस्तों, तो वो यहाँ से पैसे ले सकता है उधार, और दोस्तों 15 से 20 दिन में या महीने खाड़ में अगर वो वापस कर देता है, उससे कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी पहल है साथियों, और देखिए कौन से लोग हैं, थारू जनजाति के लोग, और थारू जनजाति के लोग ही क्या करते हैं दोस्तों, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, बहराइच के विश्वनापुर गाँव में दोस्तों इनका खुद का बैंक खोला गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, मतलब कि जल का पानी संग्रह के लिए दोस्तों पार्क बनाया जा रहा है कानपुर में। आपको बता दें दोस्तों, इसमें एक रोबोट जैसा होगा। ठीक है, और दोस्तों ये लोगों से बात भी करेगा और लोगों को संदेश देगा कि भैया आप पानी बचाइए। ठीक है, तो कहाँ पर, कानपुर में। कहाँ पर दोस्तों, कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला है कि अमेरिका के एरोस्पेस कंपनी जो बोइंग ने दोस्तों भारत को आखिरी 5 बोइंग है ना AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंचाए थे, वो किस स्टेशन पहुंचाए थे अंतिम 5, तो हिंडन वायुसेना स्टेशन पर। कहां पर, हिंडन वायुसेना स्टेशन पर दोस्तों उन्होंने 5 बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचाए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में दोस्तों भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक दोस्तों जिनका नाम है गोविंद स्वरूप है, उनका निधन हो गया था, वो कहां संबंधित थे, अपने उत्तर प्रदेश। क्या नाम है, गोविंद स्वरूप जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 87 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, कहां पर, गोरखपुर में। गोरखपुर में हमने बताया साथियों क्या है, चिड़ियाघर भी है जिसका नाम अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, और गोरखपुर में दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या, आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। चलिए अगला है 88 नंबर कि उत्तर प्रदेश में के किस शहर में दोस्तों APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, कहां पर, लखनऊ में दोस्तों APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, कहां पर दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है दोस्तों, कहाँ पर, तो गाजियाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए थोड़ा पुराना है मगर पूछा सकता है दोस्तों, देखिए कानून, देखिए क्या है, नागरिकता कानून के तहत प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो साथियों कौन सा है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों प्रथम भारतीय राज्य। चलिए साथियों, देखिए साथियों ये हो गया आपका पूरा दोस्तों, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 3 वीडियो हो गए दोस्तों, इसका कल अगला पार्ट कल आने वाला, चौथा वीडियो दोस्तों, 4 वीडियो करने बाद हमारे लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास हमारे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी अगर PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है ज्ञान RBL, क्या, GYAN ज्ञान
RBL ऑफिशियल दोस्तों, इस पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी दोस्तों, ज्ञान RBL, उसके बाद ऑफिशियल लगा देना OFFICIAL, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल साथियों। और एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों, बहुत सी चीज़ें जो हमने बताई हैं वो जाके आप जरूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।